हाय एवरीवन, स्वागत है आपका रसोई विद गपशप में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन की कचरी। सबसे पहले हम इसके लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। 2 चम्मच हम लेंगे बेसन के, चौथाई चम्मच लेंगे हल्दी, चौथाई चम्मच ही धनिया लेंगे थोड़ा सा, आधा चम्मच लेंगे लाल मिर्ची, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है मिर्ची, चौथाई चम्मच ही हम इसमें नमक डालेंगे या स्वाद अनुसार डाल लें आप, चौथाई चम्मच ही हम इसमें आमचूर पाउडर डालेंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, एक सार कर लेते हैं सारा, सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला तैयार है हमारा। बैंगन लेंगे एक, इसको ऊपर से डंठल काट देंगे। और इसके पतले स्लाइस काट लेंगे, ना ज्यादा मोटे ना ज्यादा पतले। इस तरह से बैंगन काट लिया हमने, इनमें हम छोटे छोटे कट लगा देंगे हल्के हाथों से, ताकि मसाला अंदर तक जाए। बहुत गहरे कट नहीं लगाने हैं। सारे बैंगन पे हमने कट लगा लिया, मसाला हमने मिक्स कर लिया। अब ये जो बैंगन है इनको हम इस मसाले पे कोट कर लेंगे अच्छी तरह से। जो एक्स्ट्रा है उसको झाड़ देंगे। इसी तरह से सारे बैंगनों को हम मसाले से कोट कर लेते हैं। बैंगनों पे हमने सूखा मसाला लगाया है, तो हम इसको 5 मिनट के लिए साइड में छोड़ देंगे, 5-7 मिनट के लिए। हमने इसमें नमक लगाया है, तो नमक से क्या है, सब्जी पानी छोड़ेगी। तो थोड़ा थोड़ा ये देखिए कि गीले भी होने लगा है, तो ये इसको अच्छे से बैंगन की इस पे मसाले के साथ पकड़ हो जाएगी सब्जी पे। फिर हम इसको शैलो फ्राई करेंगे 5 मिनट बाद। ये देखिए तवा रख दिया हमने, और इसमें 1 बड़ा चम्मच हम सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों के तेल में ये अगर बैंगन की कचरी बनाए तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है इसका। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसके अंदर अब हम अपनी ये कचरियाँ रख देते हैं। देखिए बेसन अच्छे से कोट हो गया है, बैंगन ने पानी छोड़ा है, तो अच्छे से बेसन उसके ऊपर कोट हो गया है। एक बार जब तेल गर्म हो जाए तो आंच को हम धीमा कर देंगे, धीमी आंच पे इसको अच्छे से कुक होने देंगे। बहुत ही झटपट से बनने वाली सब्जी है, इसको तेज आंच पे बिल्कुल ना बनाएं, धीमी आंच पे इसको बनाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बन के तैयार होगी। देखिए एक साइड से कुक करते हुए 5-1 मिनट हो गए हैं। अब इसको पलटने से पहले हल्का हल्का सा इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे। और इसको पलट लेते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। आंच को धीमा ही रखेंगे, और धीमी आंच पे दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से इसको कुक होने देंगे। बैंगन हमारे देखिए गल गए हैं, दूसरी तरफ से भी इसको पलट के देख लेते हैं। देखिए बढ़िया से क्रिस्पी हो गए हमारी दूसरी तरफ से भी बैंगन की कचरी। देखिए कितनी क्विक और इजी रेसिपी है, और बहुत ही स्वाद लगती है। अब इस पे अगर नमक मिर्च आपको कम लगता है तो इसके ऊपर थोड़ा चाट मसाला डाल लें। देखिए बढ़िया सी कचरी बन गई हमारी, प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सी हमारी बैंगन की कचरी बन के तैयार है, बहुत ही बढ़िया बनती है। एक बार आप जरूर इस रेसिपी को ट्राई करें और इंजॉय करें। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय, खुश रहिए।